दोस्तों यार आपको कुकिंग का मतलब पता ही है, बट आपको पता है कि फ्री फायर में भी बहुत ज़्यादा कुकिंग हो रही है। आप बोलेंगे यार फ्री फायर में कैसी कुकिंग हो रही है, लेकिन यार बहुत कुकिंग से रिलेटेड अपडेट है, आपको सुन के मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी तगड़े अपडेट्स होने वाली है। तो उसके लिए अभी से वीडियो को एक लाइक मार दो, आज का लाइक हम रखते हैं 500 लाइक, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, हमको 23,300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, बहुत कम बचे, 2-4 सब्सक्राइबर चाहिए, और कर तो देना। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक टूर्नामेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो है अपने NMR इंटरनेशनल शोडाउन सीजन 2, जिसका प्राइस पूल $3,000 होने वाला है, और जिसमें आप भी खेल सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यार रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्कॉर्ड पे जाना है, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए बस SS वेरिफिकेशन है, लेकिन यार वो कैसे क्या करना है सारी चीज़ें आपको अगर पता नहीं है, डिस्कॉर्ड कैसे ज्वाइन होना है क्या सारी चीज़ें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक वीडियो का, रजिस्ट्रेशन वीडियो का। तो यार उस वीडियो पे क्लिक करना, उसमें सारा प्रोसेस है, कैसे क्या रजिस्टर करना है, कैसे ज्वाइन करना है टूर्नामेंट को, सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो जाके आप रजिस्टर कर सकते हो इस तो टूर्नामेंट में। दोस्तों आपको पता ही होगा फ्री फायर ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज का लैंड टूर्नामेंट होने वाला है, तो उसका एक छोटा सा वीडियो आया था उनके चैनल पे, तो यार वो देख तो दैट लो। विल बी द थर्ड एडिशन फिनाले ऑफ ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज, विच विल बी अ लैन इवेंट विच विल बी हैपनिंग इन नेस्को मुंबई। तो आई बिलीव ईच एंड एवरी गेमर, ईच एंड एवरी एथलीट शुड पार्टिसिपेट, शुड बुक देयर टिकेट्स। टिकेट्स आर गोइंग टू गो लाइव एज सून एज पॉसिबल and you should attend this event regardless of anything. And like most of the tickets are free, of course. You just come there for experience. LAN क्या होता है, e-sports क्या होता है, gaming क्या होता है, gaming के brands कौन से हैं, gaming में क्या क्या you know what are the important things. छोटा सा podcast भी होगा वहाँ पे most likely. तो मतलब बहुत सारी चीजें मैं ज्यादा रिवील करना नहीं चाहता हूँ वहाँ पे आके देखने का. हाँ मतलब date date और जगह तो सारी चीजें तो set, teams भी ready है सभी, बट यार टीम माफिया है कहाँ, टीम माफिया तो क्वालिफाई नहीं हो पाई। लेकिन आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, कुछ अपडेट्स के अकॉर्डिंग एंड लीक्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, ई स्पोर्ट इन्फो ने भी डाला था कि यार कहीं ना कहीं अपनी टीम माफिया को इन्विटेशन मिला है, एज अ मतलब प्लेइंग टीम नहीं बट उनको इन्विटेशन मिला है उधर आने के लिए। तो अगर कोई टीम माफिया के फैंस भी है तो जा सकते हैं शायद से। अगर इसके ऊपर और कुछ कन्फर्म अपडेट आता है तो यार मैं ज़रूर आपको बता दूंगा टीम माफिया के बारे में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर तो देना। दोस्तों जो कुकिंग का सीन है उसके बारे में अब आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑरा गेमिंग ने कल डाला था, ये बात अभी क्लियर नहीं है पर समथिंग बिग इज कुकिंग इन साउथ, ऐसा लिखा था। देखो उन्होंने बोला है कि ये बात पक्की नहीं, बट जब भी ऑरा गेमिंग डालते तो भाई मतलब सोच समझ कर और रिसर्च करके डालते, ऐसे ही डालते है, नहीं है। बाकी यार मतलब कहीं ना कहीं कुकिंग वाला बात मतलब गेम से रिलेटेड ही है, बट अभी तक कुछ और अपडेट आने का वेट है। और अभी अपडेट्स का जो सीन है 18-19 तारीख को ही बताया जा रहा है, अभी 4-5 दिन रुक जाओ, सब पता चल जाएगा क्या खेल है सच में सच है या इतने दिन से कुछ बकवास चल रहा था, बस 2-4 दिन की और देरी है। कुकिंग के बाद से अपने FF कोच इंडिया ने भी डाला था कुकिंग, अब ये कुकिंग किस रिलेटेड है पता नहीं, बट ये भी गेम से रिलेटेड है मेरे को कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि सारा माहौल बन रहा है अभी दोस्तों, क्योंकि बहुत जगह से ये सारी अपडेट आ रही है। और जहां तक मेरे को पता है मतलब एक और अपडेट मेरे को मिली है, जो दूसरी अपडेट है उसके हिसाब से 26 जनवरी को गेम रिलीज होने वाला है, मतलब इंडिया में लॉन्च होने वाला है, अगर अगर ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो ये मतलब कहीं ना कहीं ट्रस्टेड लग रही है अपडेट, बट इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, बट ये अपडेट मेरे को भी एक मिली है जिसमें मतलब 26 जनवरी का बताया जा रहा है, और इसका अनाउंसमेंट शायद से 18 या 19 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। अब एक बात कितनी सच्ची कितनी झूठी ये भी 19 तारीख और 18 तारीख के बाद ही पता तो दोस्तों चलेगा। हमारा नेक्स्ट अपडेट होने वाला है अपने एक्स मानिया के चैंपियनशिप के बारे में, जिसका गाइस फाइनल रिजल्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यार अपने TSG आर्मी पूरा वन साइडेड डोमिनेशन, 222 पॉइंट है, और आसपास की टीम देखना एक ही वो ही हमारा है, बट फिनिशेस देखना 135, और बाकी की टीम भी कंपेयर कर लेना आप। लेकिन पैटर्न प्लेज ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा डोमिनेशन दिखाया, उसी के साथ RNX e-sport कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दी। बाकी यार मतलब सभी टीमों ने अच्छा ही किया है, लेकिन TSG आर्मी ने थोड़ा मतलब पूरा एग्रेशन के साथ खेला है। और उसके बाद अपने वाशी भाई का एक छोटा सा इंटरव्यू भी हुआ, तो उसके भी 2-3 क्लिप है वो देख लो। कर रही है धीरे धीरे, और बस यही था हमारा, क्रिस थोड़ा फॉर्म में नहीं चला था, क्रिस बहुत ही ज्यादा फॉर्म में आ गया है, बस आज खेल नहीं पाया थोड़ा, उसके घर पे थोड़ा उस पेरेंट्स वेरेंट्स सब लोग आ रहे हैं रिलेटिव, तो इसकी वजह से, बट है वो अभी प्रिपेयर तो हो रहा है धीरे धीरे। तो मतलब सारे प्लेयर्स ऐसे अभी
है कि मतलब ऐसा हो गया है कि ना कि अभी एक हर एक टीम का चारों प्लेयर ऐसे हो गए कि अगर सामने स्कोर भी आ जाती तो 1v4 कर सकते, वैसे अभी प्रिपेयर हो गए हैं, तो गन पावर तो दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा। अब आगे वाले इवेंट्स में और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करके दिखेगा, क्योंकि अभी थोड़े 2-3 मैचेस खराब हो गए थे, तो वही वो भी खराब नहीं होने चाहिए। बुया मिस हो रहे तो वो भी नहीं होने चाहिए, तो उन सब पे फोकस कर रहे हैं अभी तो। और यही किल फीड किल फ्रेग्स फ्रेग्स तो आते रहेंगे, बट वही है कि अगर मेन चीज टीम साथ में खेल रही है तो किल्स मिलने ही मिलने हैं, तो वही उस पर ही फोकस करवाना है अभी टीम को। थोड़ा वो कम्युनिकेशन इश्यूज आ जाते हैं लास्ट लास्ट में, तो उस पर फोकस कर रहे हैं अभी तो। और चैट में बहुत लोग पूछ रहे थे वासी भाई ऑफिशियल्स की कैसी वो चल रही है, क्योंकि आपको पता है थोड़े टाइम बाद, मतलब पता है यार, सबको पता है कभी ना कभी गेम तो आना ही है, देखो ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ऑफिशियल की कैसी चल रही है ऑफिशियल तैयारियां? की तो अभी प्रिपरेशन तब तक नहीं होगी जब तक सारे टीम्स वैसे खेलना स्टार्ट ना कर दे। तो जैसे कि हमें हाँ पता है ये कि भी दो है। तीन टीम्स अभी हाँ सीरियस है, बाकी सब ऐसे ही फन में थोड़ी खेल रही है, थोड़ी मतलब वो भी हाँ भाई वाइब्स भी नहीं आती ना कि किल ऑफिशियल फीड रूम नहीं देखते हैं, है, तो मतलब हाँ वही 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 तो वैसे ही तो थोड़ा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट अपडेट होने वाला अपने हेड्स भाई की तरफ से, तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यार, उन्होंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें मतलब उनका कुछ अकाउंट का प्रॉब्लम था उसके बारे में बताया, और लास्ट में लिखा था ऑल्सो साइंग फ्यू न्यू रोस्टर्स इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स स्टे टर्न, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कुछ साइनिंग, अब वो कौन से होने वाला आई डोंट नो, तो जैसे ही अपडेट मिलेगा पता दूंगा मैं उसी के आपको। साथ दोस्तों उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी एक मैसेज डाला था जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वी बैक दोस्तों, आया अकाउंट वापस और फ्री फायर आ रहा है, जल्दी मिलते हैं लाइव पे सुन। अब हेड्स प्ले ने बोला तो उनको गाइस उनके पास अपडेट आ जाती है, और पहाड़ी गेमिंग सारी वो उनके बूट के में तो पता चल ही जाती है भाई, इतना अंदर की बात तो यार कहीं ना कहीं अब सारी जगह से अपडेट आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को तो लगता है 99.9% अब कंफर्म हो चुका है इसी मंथ में आ सकती है। अब वो कब आ सकती है उसके लिए वेट करना पड़ेगा, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ।